वहीं चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस को 20 रन से हराकर अंक तालिका में 8 अंकों के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की बराबरी कर ली है। टीम ने 0.726 के नेट रन रेट के साथ अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है। वहीं मुंबई की टीम 4 अंकों के साथ 8वें पायदान पर बनी है। आईपीएल के 29वें मैच में सीएसके ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 206 रन बनाए। जवाब में मुंबई ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 186 रन बनाए। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने दमदार प्रदर्शन किया और अपने आईपीएल करियर का दूसरा शतक लगाया। तो वहीं 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए धोनी ने आखिरी 4 गेंदों में 20 रन बनाए। उन्होंने लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़े। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 500 का रहा। फैंस धोनी को मैदान पर देखकर गदगद हो गए।